Welcome to Bollywood Spy, and today we have with us Sam Art Artist Nitish Bharti. Swagat hai aapka Bollywood Spy mein. Thank you so much. So Nitish, pehle sabse to bahut khushi hoti hai jab India ka talent is tarah se nikhar ke aata hai. India's got talent ke manch par aapne apni kala ka pradarshan kiya. Asia's got talent par aapne India ko represent kiya. Sabse pehle main uske baare mein jana chahungi ki kaisa lagta hai aur kis tarah se is soch ke saath aap aaye ki stand art kiya jaye. तो सबसे पहले बॉलीवुड स्पाई का तहे दिल से धन्यवाद. उन्होंने आज ये मौका दिया जिस मौके से मैं अपनी कहानी बयां कर सकता हूँ. वैसे तो मैं बहुत कहानियां बयां करता हूँ अपने आर्ट से, बट बहुत कम समय मिलता है जब हम हमारी कहानी सबको बताते हैं. तो सबसे पहले उन सबके लिए थैंक यू सो मच. शुरुआत करेंगे इंडियाज गॉट टैलेंट से. पहले मैंने एक काम किया था, वो बहुत से लोगों को पता नहीं है, बट वो चीज बहुत कैजुअली हमारे सबके सामने आती है. वो है संजय लीला भंसाली जी का लोगो. सो जो सैंड आर्ट से जो लोगो शुरू होता है, वो हाथ आती है, रेत आती है, और फिर वो जो SLV का लोगो बनता है, दैट वाज माय फर्स्ट वर्क. वहां से इस जर्नी की शुरुआत हुई. और तब संजय सर ने जब इसके ऊपर विश्वास दिखा, और संजय सर ने जब कहा कि हाँ ये लड़का काम कर सकता है, मैं महज 19 साल का था तभी, और तब मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अगर इतने बड़े जो डायरेक्टर है, इतने बड़े जो क्रिएटिव इंसान है जिनकी क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है, वो अगर मेरा आर्ट अपने प्रोडक्शन के लोगों के लिए यूज कर सकते तो सच में मेरे में कुछ बात है. उसके पहले मैंने ना कहीं फॉर्मल ट्रेनिंग ली हुई है, ना ही मैं किसी आर्ट स्कूल से बिलोंग करता हूँ. मैंने जस्ट जो किया है, जो बस अपने बलबूते पे किया है और प्रैक्टिस से किया, और एक चीज के पीछे पढ़ के किया, मैं तो बोल सकता हूँ. मैं कॉमर्स स्टूडेंट था तो ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं था आर्ट का, पर हाँ बचपन से ही मुझे आर्टिस्ट बना था. और फिर वहां से फिर भंसाली जी के लोगों के बाद अपॉर्चुनिटी इंडियाज गॉट टैलेंट की. इंडियाज गॉट टैलेंट की ऐसा मंच है जो भारत के सबसे बेहतरीन टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म देता है, और वहां से आपकी जो जर्नी होती है वो मुझे लगता है कि एक दायरे तक सीमित नहीं रहती, उसको कोई सीमा नहीं होती. तो IGT के टाइम बहुत ज्यादा प्रेशर था, मतलब वो सिमिलर एज में ही हुआ था, तभी भी मैं 19 साल का था. तो यू नो व्हेन यू वाज इन 90s, आपको कुछ पता नहीं होता कैसे शूट होता है, क्या होता है, बस आप चले जाते हो. आजकल के लोगों के लिए बहुत से एडवांस चीजें होती है, जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक, जहां से ये लोग पता कर सकते कि एग्जैक्टली शूट कैसे होता है. हम लोग गए थे पूरे ब्लैंक. और मुझे अभी भी याद है युवराज सिंह का एपिसोड हुआ था, जब युवराज सिंह उसी साल कैंसर से वापस आए थे, उनकी जो फाइट थी कैंसर के लिए. और हमें पता चला कि युवराज जी आ रहे, तो क्रिएटिव टीम ने मुझे वी हैव टू गेट दिस स्टोरी ऑन बोर्ड. और सैंड आर्ट से बेहतरीन कोई चीज नहीं हो सकती इस चीज को बयां करने के लिए कि उतना कितना स्ट्रगल था युवराज जी का. और मैं मतलब मुझे भी अभी याद है, मैंने क्रिएटिव टीम से 10 मिनट मांगे थे, रूम में मैं अकेला था. हमने कुछ ऑलरेडी एक्ट प्रिपेयर करा था, उसके बाद ये एक्ट आया था. तो मेरे लिए बहुत ज्यादा पहले खुद पे विश्वास करना था कि हम ये 2 दिन में कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टोरी इतनी इम्पोर्टेंट है. अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं करते तो शायद मुझे लगता है कि वो अनफेयर होता युवराज जी के साथ. तो 10 मिनट मुझे अभी भी याद है, मैंने सोचा कि यही मौका है, ये हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है, और ये मौका हमें नहीं गवाना है, क्योंकि इसके पहले युवराज जी के जर्नी पे किसी ने नहीं लिखा था. आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु स्पोक अबाउट इट. उसके बाद बुक्स आए, आर्टिकल्स आए, बहुत सारी चीजें आई. तो वो जो एक अनसंग वॉरियर था, हर टाइम क्रिकेट के मैदान में खेलना ही एक वॉर नहीं होता, अपनी जिंदगी के साथ जूझना और वापस देश के लिए खेलना, ये भी एक वॉर था. उस वॉर को हमने सबसे पहले IGT में रखा, और मुझे लगता है तभी से मैंने कभी पीछे नहीं देखा. I'm just going ahead and I'm really proud of that. And we and in fact everybody जिसने भी आपका आर्ट देखा है, they love it. It is mesmerizing. सबसे पहले तो आप इतने थोड़े से वक्त में बहुत ही अच्छे से वो कला कर लेते हैं, जो बहुत ही ज्यादा appreciating है. जैसे कि आपने भी कहा कि आपने कोई formal training नहीं ली है, so जो भी आपने आप करते हैं बहुत ही थोड़े से time में बहुत unique है और बहुत ही झट से हो जाता है. People love it. Speaking about that also, अभी हमने जो एक एपिसोड एनकाउंटर किया, राम नवमी का एपिसोड, इंडियन आइडल में आप गए थे, TRP रेटिंग में नंबर 1 है. मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि ओवरऑल किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? ओवरऑल एक्सपीरियंस अगेन, मतलब आप मुझे 10 साल हो गए, तो 2011 में मैंने पहला सैंड आर्ट शुरू किया था, और आज 2021 में हम खड़े हैं. सबसे पहली चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी कि बहुत से लोग कहते हैं कि आप रियलिटी शो करते हो, उसके बाद 2 साल के बाद आप गायब हो जाते हो, आपका करियर नहीं होता.
पर मैं इस बात का खंडन करता हूँ, और आज जब इस एपिसोड ने इस चीज को प्रूव कर दिया कि आप अगर सच में किसी चीज के पीछे लोगो तो ये बस कहने की बात है, 2-3 साल, नो डाउट रियलिटी चीजों में बहुत सी, कितनी रियलिटी होती कितनी होती वो एक अलग डिबेट है, बट बहुत सी चीजें अपने ऊपर भी डिपेंड होती है, हमारे ऊपर भी डिपेंड होती है कि हम इस चीज को किस सीरियसनेस से इस करियर को आगे लेके जाते हैं। तो सबसे पहला जो शिवधनुष मेरे कंधे पे था कि भाई तू 10 साल के बाद वापस आ रहा है टेलीविजन पे, तो यू हैव टू डू समथिंग विच विल टच टू द इमोशन ऑफ द पीपल जो 9 साल पहले किया था, तो उस चीज को बरकरार रखना। और रामायण जैसी कथा जो हर घर घर में प्रचलित है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको पता नहीं है, तो जो चीज सबको पता होती है उस चीज को जब आप बयां करते हो तो आपको सबसे ज्यादा सेंसिटिव रहना पड़ता है, आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है, आपको सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहने पड़ते हैं, क्योंकि सबको पता है कि इसके बाद होगा क्या, पर ये कैसे होगा इस चीज की क्यूरियोसिटी मेंटेन करना। वो भी 12 सॉन्ग्स के परफॉर्मेंस थे और 15 लिंक्स थे, सो टोटल 23 परफॉर्मेंस करना। अब मेरे लिए तो पहले तो मुझे लगा कि ये नहीं होने वाला है मुझसे, मैं जब मुझे पहला प्रोडक्शन तो कॉल आया तो मतलब 1-2 एक्ट तो मैं कर सकता हूँ, 11 एक्ट, बट उन्होंने जिस तरीके से विश्वास रखा कि नहीं नहीं बिकॉज देखो तीर मारने के लिए कोई भी कुछ भी मार सकता है, हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, बट व्हेन इट कम्स ऑन बोर्ड आप एग्जीक्यूट कैसे करते हो उस चीज को। मनोज जी का राइटिंग था, इतने पॉपुलर और ग्रेट सिंगर थे इंडियन आइडल के, और उसके बाद मेरा परफॉर्मेंस, तो ये तीनों चीजें में कोई भी कभी भी कम पड़ जाता तो शायद वो एपिसोड इतना एपिक नहीं होता, टीआरपी नंबर 1 नहीं होता उस चीज का। तो जब मैं पहले गया तो पहले तो सब अननोन थे, टीम नहीं थी, फ्री मेंटल प्रोडक्शन था जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट का प्रोडक्शन है, इट इज लाइक अ होम कमिंग होम प्रोडक्शन फॉर अस, पर द टीम वाज डिफरेंट, द क्रिएटिव्स वर डिफरेंट, एवरीबॉडी वाज डिफरेंट, बट जिस तरीके से सबने मिलके उस एपिसोड का टेक्निकल रिहर्सल किया तभी हमें पता चल गया था कि ये एपिसोड हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है और आज सबके सामने उसका रिजल्ट है। यस, वी सॉ कि जैसे जैसे मनोज मुंतशिर जो है वो गाना गा रहे थे और आप इतने क्रिएटिवली, मतलब आप अपने में खो गए थे, आप उसे क्रिएट कर रहे थे, और वो एक जो इफेक्ट मैं कह रही हूँ जब हम स्क्रीन पर देखते हैं तो जो एक पूरा माहौल बन रहा था कि वो गा रहे हैं, इतनी प्यारी तो उसकी आवाज ही है, इनफैक्ट हर एक इंडिविजुअल जो गा रहा था, और आप अपने सैड आर्ट के थ्रू वो पोइट्री, वो जो पोर्ट्रे करने वाली चीज होती है वो कर रहे थे, वो पूरा सिंक होकर एक माहौल बन रहा था। सो वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि आपको कैसा लगा, क्योंकि मनोज जो है वो एक अपनी आवाज के लिए जाने जाते हैं और उनका इस तरह से पोर्ट्रेयल आपको कैसा लगा? तो जैसे मैंने बोला टेक्निकल्स के टाइम मनोज जी आए, मनोज जी और मेरी एक खास मुलाकात हुई, वो चीज में जरूर शेयर करना चाहूंगा। तो मनोज जी आए मेरे पास, मनोज जी बोले नितेश, मैंने बोला हाँ सर बोलिए, पहचाना मुझे? बोला सर आपको कौन नहीं पहचानता, ऐसा कोई हार्डली कोई होगा, स्पेशली तेरी मिट्टी में मिल जाऊंगा जब आपने गाना लिखा, उसके बाद कोई हार्डली होगा इंडिया में जो मनोज जी को नहीं जानता होगा। पर मनोज जी बोले मैं आपको और एक खास अंदाज से जानता हूँ, तो मैं बोला सर क्या है वो अंदाज? तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीजन 4 के राइटर मनोज जी रहे हैं, तो मेरा जब सीजन था तो जितने भी डायलॉग्स मेरी जर्नी के बारे में जिन्होंने लिखे वो मनोज सर थे, तो मनोज सर बोले कि जब मैंने पढ़ा कि नितेश आ रहा है सैंडर्ट के लिए तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ कि यू नो एक सर्कल ऑफ लाइफ होता है, आप जिस चीज के लिए लिखते हो 9 साल पहले वो वापस आपको मिलेगा और एक वापस कोलैबोरेशन होगा, तो वो ऑलरेडी इंडियाज़ गॉट टैलेंट का हिट कोलैबोरेशन वापस इंडियन आइडल में आ गया था, तो एपिसोड हिट होना तो बनता था। पर हाँ बहुत ज्यादा प्रेशर था क्योंकि स्पेशली इसमें क्या था, इसमें टाइमिंग मैच करना था, क्योंकि जितना टाइम सिंगर गा रहे अगर आप देखते उतने टाइम में ही मैं सैंड आर्ट कंप्लीट कर रहा था उस चीज को, तो और स्पेशली उनके वर्ड्स के साथ जो जो उनकी स्टोरीज है, जो जो उनके वर्ड्स है, एक एक पिकअप करना है, वचन है या यू नो राम जी जा रहे हैं सीता जी, तो इन सबको सीता जी का जो एक्ट था पल पल है भारी, जहाँ पे सीता जी बैठी थी और वो राम राम लिखा हुआ आता है स्क्रीन पे तभी जब सिंगर राम राम गा रहा है, तो इन इतना सब प्रेशर और इतना सब टाइमिंग मैच करना था, और मैं वापस बोल रहा हूँ ये एक एक्ट होता ना तो मैं निकल जाता, ये 11 एक्ट्स को मैच करना, मतलब मेरा एंजाइटी अटैक आ गया था मेरे को सेट पे, मतलब ऐसे था कि भाई अगर, और ऐसे ये ऐसे नहीं था, आप अगर एक पहला परफॉर्मेंस आप तगड़ा दे रहे हो तो आपको 11वां परफॉर्मेंस भी तगड़ा देना है, आप ये नहीं बोल सकते मेरे पास 11 स्टोरीज है 11 परफॉर्मेंस है मेरे पे प्रेशर था इसके लिए 4th एक्ट ऐसे गया, यू हैव टू कीप दैट एनर्जी थ्रू आउट फ्रॉम द फर्स्ट एक्ट टू द सेकेंड एक्ट और उसके पहले का रिहर्सल, मतलब ये जो 13-14 घंटे का जो भी पूरा प्रोसेस था वो मतलब मेरे लिए ऐसे था कि भाई निकल जाए और ये सब, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे इस सब के पीछे वो पॉजिटिव एनर्जी थी, एक सच्चे एफर्ट्स थी सारी टीम के,
वो कहीं ना कहीं पे आए और इसकी वजह से वो हर एक चीज हर एक टाइम पे विन, वरना ये बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल टास्क था, इतना इजी नहीं होता दिखने के लिए, वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है बट एक आप सोचते एक ऊपर एग्जीक्यूशन करना, सही टाइम पे एग्जीक्यूशन करना, इट्स समथिंग दैट यू नो इट हैपेंस बिकॉज ऑफ समथिंग, वो पॉजिटिव एनर्जी की वजह से, और बहुत ज्यादा पॉजिटिव सेट पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी थी, ऑरेंज कलर था सब जगह पे, गोल्डन कलर था सब जगह पे, सैंड बॉक्स करके सैंड आर्ट के नीचे का भी लाइट अगर देखे तो भी वो ऑरेंज कलर का था, तो एक बहुत पावन, सबने कपड़े भी ऑलमोस्ट व्हाइट ऑरेंज येलो इसी टोन में पहने थे, तो एक ऐसे लग रहा था कि सच में अयोध्या में आ गए हैं और किसी किनारे बैठ के आप ये राम का पाठ चल रहा है और वो पीछे सैंड आर्ट वो स्टोरी जा रही है आगे. So, Nitish, we would like to know from you, कि जब आपको ये ऑफर किया गया प्रोडक्शन के थ्रू से, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? एंड जैसे कि आपने बताया कि एनर्जी पूरी सेम रखनी थी, तो आपने किस तरह से वो बैलेंस बनाया रखा? ना कि मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको पहले बताया गया था कि ये सॉन्ग होने वाले हैं, और आपको प्रेपरेशन में कितने टाइम लगे? तो जैसे मुझे पहले प्रोडक्शन का कॉल आया कि हम ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, तो मैंने बोला अच्छा सोच रहे तो ठीक है सोच रहे, तो मैंने बोला पहले मुझे बताओ कि करना क्या है एग्जैक्टली, तो बोले कि पूरी राम कथा करनी है, तो बिफोर इवन वी गेट द कॉन्फर्मेशन फ्रॉम द टीम, मैं और मेरी टीम पहले ही काम में लग चुके थे कि कौन से एलिमेंट्स है जो रामायण और संक्षिप्त रामायण को जोड़ सकते हैं. एक रामायण है जो आप 10 दिन तक कथा पाठ करते हो, एक रामायण है जो आप 2 एपिसोड में खत्म करते हो, बट आपको जो फील है वो आपको सेम ही लाना है, आपको जो इमोशंस है, आपको जो प्योरिटी है वो आपको सेम लाने, तो हमने पहले तो वो लिस्ट बनाई कि कौन से एलिमेंट आने चाहिए थे, और सब लोग काम पे लग गए, हमने बहुत से एपिसोड्स देखे, मैंने पुरानी रामायण देखी, बहुत से लेक्चर्स सुने कि इसमें से क्या क्या पिक कर सकते हैं, कौन से इमोशंस है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ स्पेशली इस एपिसोड के लिए कि ड्रॉइंग करना सिंपल है सैंड आर्ट, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, पर उस टाइमिंग को करना, उस इमोशन को मैच करना, दैट इज समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज समथिंग हिटिंग ऑन द स्क्रीन, वही टेलीविजन स्क्रीन पे हिट करता है कि आप वो इमोशंस को पकड़ते हो, और वो इमोशंस आपको तभी आएंगे जब आप वो इमोशन खुद महसूस करोगे. तो पहले तो हमें वही काम था कि इसका होमवर्क बहुत तगड़ा होना चाहिए, और एक एक्ट लेंदी बनाने के लिए भी आपको एक सर्टेन एलिमेंट्स की जरूरत होती है, कि आप समझो एक हाथ आप 10 मिनट तक निकाल रहे हो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको वो फास्ट भी करना है और आपको टाइमिंग पे भी करना है, तो वो जो एक होमवर्क था कि कौन से सेगमेंट में क्या क्या आना चाहिए, अयोध्या नगरी कैसे हो, राम कैसे हो, उसमें क्या डालेंगे, तो फिर वो भगवान श्री राम हो जाएंगे, प्रभु श्री राम हो जाएंगे, या अगर आप पूरे एक्ट में देखो तो राम के ऊपर राम जी के जो एक्सप्रेशंस थे वो हमने हमेशा सेटल रखे, ना वो हंस रहे हैं ना वो भले भरत रो रहा है, राम जी, तो इन सब का जो एक अभ्यास होता है, जो होमवर्क होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था. तो वो लगभग 3 दिन तक तो मैं वो बस होमवर्क ही कर रहा था कि इसको क्या कौन से एलिमेंट में क्या रखना है, कहाँ पेड़ आना चाहिए, कहाँ सीता जी बैठनी चाहिए, कैसे अशोक वाटिका हो सकती है, उनमें से क्या एलिमेंट रखे, क्या एलिमेंट निगलेक्ट कर सके. फिर क्रिएटिव टीम के साथ डिस्कशन हुआ, उनके बहुत सारे डाउट्स थे, मेरे बहुत सारे डाउट्स थे, बट एक मेरे मुझे लगता है हमारे पास प्लस पॉइंट था कि ये 10 साल का जो जर्नी था इसमें हम बहुत चीजें सीखे थे सैंड आर्ट के थ्रू, तो अभी जब हम क्लाइंट्स को बता सकते हैं या क्रिएटिव टीम को बता सकते हैं, तो हमें पता था कि ये डेफिनेट यही चलेगा, यही टेलीविजन पे उठ के आएगा और ये चीज ही है जो इम्पैक्ट करेगी. तो जैसे हनुमान जी का भी एक्ट था, वहां पे एक फ्रेम में आप 3 चीजें दिखाते हो कि हनुमान लंका आ जाते हैं, लंका को आग लगा जाता है, फिर हनुमान का एक फेस जो जो आपको पुल बांधने के लिए मदद करता है, तो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा टाइम था. और एक स्पेशल बात थी इसकी, स्पेशली जो लाइव सेक्शन थे सॉन्ग्स के बीच में, तो जो पिछले एक्ट का एंड फ्रेम था वही नेक्स्ट एक्ट का बिगिनिंग फ्रेम था, तो ये पूरी कथा कनेक्टेड थी, कहीं पे भी हम ऐसे नहीं थे कि हाँ चलो ये हो गया मिटा दिया अभी चलो नया बनाते, नहीं, ये एक दूसरे से संलग्न था क्योंकि ये रामायण थी और ये एक कथा थी और इसको आप बीच में नहीं काट सकते, तो ये एलिमेंट हमने बहुत जानबूझ के डिटेल में रखा कि जो लास्ट फ्रेम हम पीछे के सॉन्ग में छोड़ेंगे नेक्स्ट सॉन्ग में हम उसी फ्रेम से कंटिन्यू करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर था इसके ऊपर, निकल आया और दिखने में बहुत सिंपल दिखा, बट इसमें इसके पीछे सारे द कंटेंट क्रिएटर की जो टीम है जो क्रिएटिव के लिए काम करती है प्रोडक्शन और इवन द सॉन्ग सिलेक्शन के लिए जो टीम था इंडियन आइडल था, सबने बहुत ज्यादा मेहनत की, सबने बहुत, और सब एक अच्छी बात इस एपिसोड की ये थी कि सब अपने अपने दायरे में मेहनत कर रहे थे,
और टेक्निकल्स को सब एक साथ आए, और तब सबको पता चला कि ये क्या होने वाला है। मतलब मुझे नहीं पता था सॉन्ग्स किस तरीके से गाए जाएंगे, मुझे नहीं पता था मनोज जर किस तरीके से लिखेंगे, मनोज जी को नहीं पता था मैं क्या कर रहा था, सॉन्ग्स जो डायरेक्टर थे उनको नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ। पर जब हम एक साथ मिले थे टेक्निकल के, तभी मतलब वो माहौल, वो अगर इंडियन आइडल के भाषा में बोले तो मौसम ऑसम हो गया था। जी बिल्कुल, और हम सभी ने उस मौसम का आनंद भी लिया। सो नितेश, वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि आपने ये कितना अच्छे से एक प्रदर्शन किया, आपने टैलेंट को दिखाया, जजेस से आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिला, रामदेव बाबा भी आए थे, मनोज थे, और बहुत ही अच्छा सा माहौल बना। आपके लिए सबसे बेस्ट मोमेंट क्या रहा? बहुत से थे, मतलब सबसे पहली मोमेंट था कि जब हमने शुरुआत की तो किसी को नहीं पता था कि ये लाइव होने वाला है, स्पेशली जजेस और रामदेव बाबा जी को, तो सबको लगा कि ये कोई तो एवी बज रहा है। सिर्फ विशाल सर मेरे बाजू में थे, जजेस टेबल के बाजू में मेरा साइंड बॉक्स का सेटअप लगा था, तो विशाल जी बहुत नजदीक थे तो उनको पता था, पर नेहा जी और इन सबको तो पहले एक्ट तक ये यही लगा कि पीछे कोई तो वीडियो बज रहा है, इन्होंने प्री रिकॉर्डेड करके रखा है और ये चल रहा है। फिर रामदेव बाबा जी उठ के उन्होंने जरा झुक के देखा, तब मतलब ये चीज एडिट हो गई, बट उन्होंने तभी बोला था कि मुझे आज साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। हम बोलते हैं कि ये विश्व सारे छोटे छोटे कणों से बना हुआ है, बट ये रेत के कण वापस इस विश्व को दर्शा रहे, इससे बड़ी बात मुझे लगता है कुछ हो नहीं सकती थी। और मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था जब सीता बनी, अगर आर्ट फॉर्म के बारे में हम बात करें, जब सीता जी का पल पल है भारी है जब सॉन्ग आया था, तब ये सॉन्ग मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। और जब वो गाना शुरू हुआ तो मैं इसमें खो गया था, मतलब बाकी के एक्ट्स में मेरा थोड़ा सा ध्यान रहता था कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है, कैसे दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, एक एक ग्लांस के लिए आपको देखना पड़ता है कि सब ठीक है कि नहीं है, पर पल पल है भारी में मैंने स्क्रीन की तरफ देखा ही नहीं। आई वॉज जस्ट इन टू दैट, बिकॉज वो जो दुख था सीता जी का, वो जो एक करुणा थी जो फेस पे दिखी है, वो तभी दिखी जब मैं उसको महसूस कर रहा था उस गाने में, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा एक इमोशनल मोमेंट था इन टर्म्स ऑफ सैड आर्ट। और इन टर्म्स ऑफ अदरवाइज मुझे अभी भी याद है कि दो थे, एक टेक्निकल में जब साहिल सर थे जो डायरेक्टर है इंडियन आइडल के, उन्होंने बोला था कि नीतीश मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ आपको, और इससे बेहतर मुझे नहीं लगता है इस स्क्रीन के ऊपर कुछ हो सकता है। तो जब आप 9 साल का दायरा पार करके भी अगर आपको लोग बोलते हैं कि इससे बेहतर हम कुछ नहीं देख सकते, तो वो मेरे लिए एक 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 पुश पॉइंट था, एक माइलस्टोन था साहिल सर के जैसे बड़े डायरेक्टर से आना, जिन्होंने इतने साल इंडियन आइडल को डायरेक्ट किया, इतने एपिसोड्स करे, उसके बाद एक एपिसोड ऐसा आता है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं आपको एक सॉलिड पॉइंट देता है कि 9 साल पहले आपने लिया वो डिसीजन शायद सही था, और उस डिसीजन पे टिके रहना भी बहुत ज्यादा एक सही आपका फैसला था। और एक था जब ऑफकोर्स नेहा जी ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, उन्होंने मेरा नाम पूछा, तो मैं अपनी माँ का नाम यूज करता हूँ अपने बात, तो नितेश भारती, भारती स्टैंड्स फॉर माय मदर बिकॉज़ शी हैज स्ट्रगल अ लॉट फॉर ऑल ऑफ अस, बोथ ऑफ माय ब्रदर और मी। और हम मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि जब भी मैं फेमस होगा हमेशा आपका डैड का नाम या सरनेम भी फेमस होता है, मतलब ये टाइम हम माँ का नाम इस्तेमाल करके उसे हर कोने कोने में पहुंचाएंगे। तो जब नेहा जी ने मेरा नाम पूछा तो आप देखे होंगे मेरी एक्सप्रेशन बहुत छोटे बच्चे की तरह हो गई थी, बिकॉज वो कनेक्शन उस नाम के साथ बहुत अलग है, ये नाम में ही कुछ बात है शायद, मुझे समटाइम्स लगता है कि इसके पहले जब मैं अपना रियल नेम यूज करता था तो मैं इतना सक्सेसफुल नहीं था, जैसे मैंने माँ का नाम यूज करना शुरू कर दिया सारे दरवाजे खुल गए। तो नेहा जी ने जिस तरीके से स्टैंडिंग ओवेशन दिया और विशाल जी ने स्पेशली जिस तरीके से कॉमेंट्स दिया कि इसको मैच करना ये कोई मिरेकल से कम नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा स्पेशल मोमेंट्स थे, क्योंकि आई ऑलवेज वेंट एज अ सपोर्टर ओवर देयर, पर आप जब उस चीज को फ्रंट पे रखते हो, जब आप उस चीज का यू आपको तो पता होगा इस चीज को एडिट करना बहुत ज्यादा सिंपल हो सकता था प्रोडक्शन के लिए चैनल के लिए, बट उन्होंने उस चीज को रखा और उस चीज को लोगों तक पहुंचाया, और यही चीज मुझे लगता है इंडिया के उन आर्टिस्ट को ताकत देगी जो सोचते हैं कि उनको जिंदगी में कहीं ना कहीं आर्ट को अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए। जी बिल्कुल। सो नितेश, वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि ऑन अ पर्सनल लेवल, क्योंकि ऑब्वियसली आप वहां गए हैं, आपने सभी के गाने सुने, आपको सभी के बहुत अच्छे लग रहे थे, कि इस बार अगर स्पार्क की बात की जाए तो आपके पर्सनल फेवरेट कौन बने हैं इंडियन आइडल के सारे कॉन्टेस्ट में से? साइली इज माय फेवरेट, और साइली ने जिस तरीके से वो गाना गाया,
मतलब 2 मिनट के लिए मुझे लगा कि मैं किसी कॉन्सर्ट में हूँ, ये ना ही कंपटीशन है, ये ना ही कुछ कोई को, कोई किस प्रकार का इंडियन आइडल है या किस, मुझे बस लगा कि हर जो सिंगर था वो अपनी आत्मा से गा रहा था। और साइली को गाना इतना बेहतर मिला, पल पल है भारी, जिसमें मतलब वो उसके आवाज के लिए बना हो, वो उस समय के लिए बना हो और वो उस कथा के लिए बना हो, तो साइली का परफॉर्मेंस मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया उस दिन में। उसके बाद ऑफ कोर्स मोहम्मद दानिश है, या फिर व्हाट इज द नेम, एम से कुछ तो है, महीनिका मधुलिका, चलो मोहम्मद दानिश है, या फिर षणमुखप्रिया है जिसने हनुमान चालीसा का जो फास्ट वर्जन है वो गाया था, रॉक रॉक वर्जन है। तब तब मुझे वो, मुझे लगता है 45 सेकंड्स थे और मुझे वो हनुमान जी का फेस बनाना था, तो उन वो जितना जोर से गा रहे थे उतनी फास्ट मोड पे मैं वो ड्राइंग बना रहा था। और एंड में जो सैंड हमने फेंकी है उनका, वहां का लास्ट का नोट और इधर से सैंड फेंकना, वो जो इतना टाइमिंग मैच करता था, वो एक एक्साइटमेंट लेके आ रहा था। बट सबसे दिल के करीब मुझे लगता है साइली का गाना था उस पूरे एपिसोड में मेरे लिए। थैंक यू सो मच नितीश फॉर ज्वाइनिंग विद अस ऑन बॉलीवुड स्पाई। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं चाहूंगी कि मेरे सारे ही व्यूवर्स हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये जो एक स्पेशल एपिसोड जिस पर चार चार लगाने का काम नितीश भारती ने किया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ।